एंटीजन क्या होते हैं बच्चों, आज हम आपको उसके बारे में पढ़ाएंगे, एंटीजन। ठीक है, ऐसे ही इससे मिलती जुलती एक शब्द और है जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्यूनोजन कहते हैं। एंटीजन जो है इसको हम हिंदी में प्रतिजन कहते हैं। ठीक है, तो एंटीजन और इम्यूनोजन में क्या डिफरेंस? ठीक है, वैसे हम जब इम्यून सिस्टम के बारे में अध्ययन करते हैं तो इम्यून सिस्टम के अंदर दो प्रकार की उसकी प्रॉपर्टी होती है, या मानो एंटीजन की भी दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती हैं। एक को हम कहते हैं इम्यूनोजेनेसिटी, और सेकंड प्रॉपर्टी जो है उसको हम कहते हैं एंटीजेनेसिटी या रिएक्टिविटी। ठीक है, तो इम्यूनोजेनेसिटी, जैसे कि नाम जिद है, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ जिसकी वजह से इम्यून हमारी बॉडी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करे, यानी कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए या एक्टिविटी टी सेल बनाती हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है इम्यूनोजेनेसिटी। ठीक है, तो जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोजन कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसके अंदर होती है, अगला क्या है, एंटीजेनेसिटी या रिएक्टिविटी है, जिसे हम क्रियाशीलता भी कहते हैं, और या एंटीजेनेसिटी को हम बोलते हैं प्रतिजेनिकता, मतलब यानी कि ये वो एंटीजन की प्रॉपर्टी होती है जिससे कि वो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से जो पदार्थ उत्पन्न हुए हैं उनके साथ वो रिएक्ट कर सकते, उनसे क्रिया कर सकता है। इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स से क्या उत्पन्न होता है, ठीक है, क्या होता है, एक तो एंटीबॉडी उत्पन्न होती हैं, और या क्या होता है, एक्टिवेटेड टी सेल्स उत्पन्न होती हैं। तो ये दो मुख्य रूप से इम्यून रिस्पॉन्स की क्रियाशीलता के अंदर आता है, तो ये इनसे ये होते हैं। तो इनके साथ अगर वो रिएक्ट कर सकता है, इनसे ज्वाइन कर सकता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजेनेसिटी। तो लगभग सभी के अंदर, और ये जिसके अंदर प्रॉपर्टी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजन है। तो एक बात तो यहाँ पर आपको मैंने ये बताया। अच्छा, वैसे हम एंटीजन होता क्या है, एंटीजन जो होता है कोई भी पदार्थ हो सकता है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, इवन लिपिड्स भी हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हैं, जो कि बाह्य होते हैं और जिसके खिलाफ हमारी बॉडी इम्यून सिस्टम इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न करती है, जिससे कि एंटीबॉडी या सेंसिटाइज जो हैं टी सेल या दोनों उत्पन्न अगर होती हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजन। ठीक है, तो ये एंटीजन होता है बाह्य पदार्थ होता है। ठीक है, ऑटो एंटीजन एक अलग बात है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं। तो ये एंटीजन के रूप में इस प्रकार ये प्रेजेंट होता है। एंटीजन की दो प्रकार होती हैं, उसी के आधार पर ये प्रॉपर्टी भी आएगी। एक को हम कहते हैं कंप्लीट एंटीजन, क्या बोलते हैं हम, कंप्लीट यानी कि पूर्ण एंटीजन कहते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, इम्यूनोजन। इसी को हम क्या बोलेंगे, इम्यूनोजन भी कहते हैं। और कंप्लीट एंटीजन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इनके बारे में बताएं। ठीक है, तो आपको जैसे मैंने बताया कि प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, लिपो प्रोटीन है, पॉलीपेप्टाइड है, या कोई भी पॉलीसेकेराइड होती हैं, या और कोई भी माइक्रो मोलिक्यूल जो होते हैं वो एंटीजन के रूप में काम कर सकता है, लेकिन सबसे अच्छा जो एंटीजन होता है वो प्रोटीन होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो लंबे समय तक एंटीजन के रूप में काम करते हैं, जबकि प्रोटीन जो होते हैं वो जल्दी डिग्रेड हो जाते हैं, ये भी एक बात है वैसे, लेकिन यहाँ पर एंटीजन जो होते हैं वो प्रोटीन जो होते हैं वो अच्छे एंटीजन के रूप में काम करते हैं, मुख्य रूप से ये होते हैं। ठीक है, तो जो कंप्लीट एंटीजन जो होता है इसको इम्यूनोजन भी कहते हैं। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती है डीनोवो, मतलब जो अपने आप ही इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके, उसे हम कंप्लीट एंटीजन कहते हैं, या इसको हम इम्यूनोजन भी कहते हैं, यानी कि इसमें इम्यूनोजेनिसिटी भी होती है, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स को डीनोवो जनरेट कर सके। डीनोवो मीन अपने आप सबसे ही जो पदार्थ उत्पन्न कर सके, यानी कि हम आगे पढ़ेंगे अपने आप नहीं, किसी कैरियर मोलिक्यूल की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है, तब इसे हम कंप्लीट एंटीजन कहते हैं। और ये लगभग हाई मोलिकुलर वेट होती हैं, 10,000 डाल्टन जो होते हैं
उससे ज़्यादा के होते हैं, और ये सभी लगभग प्रोटीन्स होते हैं। और कंप्लीट एंटीजन के अंदर दोनों प्रॉपर्टी होती हैं, इम्यूनोजेनेसिटी भी होती है और एंटीजेनिसिटी भी होती है, तो इसको हम कंप्लीट एंटीजन कहते हैं। अगला है इनकम्प्लीट एंटीजन, ठीक है। ये इनकम्प्लीट एंटीजन जो होता है, ये समान मोलिकुल वेट प्रोटीन होते हैं लगभग, ठीक है ना। इनकम्प्लीट वेट क्या होता है, समान होता है, और ये लगभग लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जो कि इनकम्प्लीट प्रोटीन के रूप में काम करते हैं। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन जो होता है इसको हम हेप्टन भी कहते हैं, हेप्टेंस बोलते हैं, हेप्टेन, ठीक है। तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट पदार्थ होते हैं जो कि नॉन प्रोटीन के होते हैं, और ये इम्यून रिस्पॉन्स अपने आप डी नोवो इंड्यूस नहीं कर सकते, यानी कि इनके अंदर इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन यदि ये किसी कैरियर मॉलिक्यूल प्रोटीन जो होता है उसके साथ अगर ये जुड़ जाते हैं तो इनके अंदर ये इम्यूनोजेनेसिस प्रॉपर्टी जो होती हैं ये उत्पन्न हो जाती है। तो इसमें कैरियर प्रोटीन जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो हेप्टन के अंदर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। तो कैरियर प्रोटीन क्या हो सकते हैं, एल्बुमिन है, हमारी बॉडी के अंदर मिलता है प्लाज्मा में है, ग्लोबुलिन है, इसके अलावा और कोई सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड है, ठीक है, ये भी होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं, और इसके अलावा कई ड्रग्स हैं, केमिकल्स होते हैं, वो भी एक हेप्टिन के रूप में काम करती हैं। कैरियर प्रोटीन तो ये हो गए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, कोई सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। और ड्रग्स भी होते हैं। हेप्टेंस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हेप्टेन, ठीक है, और एक को हम बोलते हैं सिंपल हेप्टेन। ये दो प्रकार इनकी होती है। कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ये एक तो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं, और ठीक है, और ये किसी एंटीबॉडी के साथ जब जुड़ते हैं तो इनसे विजिबल प्रेसिपिटेट बनता है। और कॉम्प्लेक्स जो हेप्टेन होते हैं ये पॉलीवेलेंट होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स एंटीजन के रूप में काम करते हैं, यानी कि ये कई इसमें पॉलीवेलेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है, यानी कि एपिटोप से इसमें ज़्यादा होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स हेप्टेन कहलाते हैं, और इनका सबसे बेस्ट उदाहरण है न्यूमोकोकस का कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड। जो न्यूमोकोकस होता है जैसे निमोनिया होता है, उसका अंदर जो उसके बाहर कैप्सुलर होती है उसके पॉलीसेकेराइड जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो यानी कि कॉम्प्लेक्स हेप्टेन जो होते हैं कई एंटीबॉडी साथ जुड़े सकते हैं क्योंकि ये पॉलीवेलेंट होते हैं, ठीक है ना। अगला आता है सिंपल जो हेप्टेन होते हैं। सिंपल हेप्टेन जो होते हैं ये लो मॉलिक्यूलर वेट के सिंपल केमिकल पदार्थ होते हैं, और ये जो होते हैं जब स्पेसिफिक एंटीबॉडी साथ जुड़ते हैं लेकिन इनसे कोई भी प्रेसिपिटेट का निर्माण नहीं होता है, और ये यूनिवेलेंट होते हैं। ये इनके अंदर अंतर है भी, यानी कि इसमें एक ही एंटीबॉडी के साथ क्या होते हैं, ये जुड़ते हैं। तो इसको हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई भी ये होते हैं, ठीक है ना, तो ये इस प्रकार के सिंपल और ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनके अंदर इनकी ये प्रॉपर्टी आती है, ठीक है। अब ये जो एंटीजन होते हैं इसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए ये कोई भी एंटीजन है और इस एंटीजन के ऊपर ऐसे इसके ऊपर कुछ मार्कर्स होते हैं, कुछ केमिकल्स के ग्रुप का समूह होता है जो कि अलग अलग इनकी क्या होती हैं ऐसे ये होती हैं, और कुछ कैसे होते हैं, कुछ ये ऐसे ऐसे होते हैं। तो ये जो है ये है ये है ये है, इन्हें हम बोलते हैं एंटी जेनिक डिटर्मिनेंट्स, या हम इनको उस एंटीजन का एपिटोप भी कहते हैं। तो जो एक एंटीजन जब हमारी बॉडी में एंटी करता है तो उसके खिलाफ उसके कई एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, और प्रत्येक एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट के अगेंस्ट एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी का निर्माण होगा। जैसे कि ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है तो इसके खिलाफ जो है ये एंटीबॉडी निर्माण होती है, इनसे जुड़ जाएगी। तो
जो इसके खिलाफ बनेंगे वो उससे जुड़ जाएगी। तो इस प्रकार ये जो एंटीजन होते हैं इनकी सरफेस के ऊपर इस प्रकार के ये क्या होते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स जो होते हैं ये यहाँ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट होते हैं इसको आप इस रूप में दिखा लो, या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं ये कोई एंटीजन है, तो ये इनके एंटीजेनिक डिटरमिनेंट है। और ये एंटीजेनिक डिटरमिनेंट जो होते हैं जो एंटीबॉडी के ऊपर एक स्पेसिफिक पैराटोप रीजन होते हैं, क्या होते हैं हम जब हम एंटीबॉडी पढ़ेंगे तब तो इसको आपको वहां पढ़ाएंगे, तो ये पैराटोप के साथ क्या होते हैं ये मैच करते हैं उनके साथ जो होते हैं ये ऐसे जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार ये एंटीजेनिक डिटरमिनेंट या एपिटोप होते हैं। ये भी बड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, जैसे कि अब हम पढ़ रहे हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट जो होता है इसकी सहायता से ही हम उस पैथोजन के अगेंस्ट वैक्सीन का निर्माण कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो कोरोना वायरस फैला हुआ है इसके जो स्पाइक प्रोटीन जो है उसके साथ बाहर जो निकले होते हैं दिल वर्क एज ए एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, और उसके खिलाफ जो है हम एंटीबॉडी का निर्माण करवाते हैं तो हम उसे हम क्या बोलते हैं वैक्सीन का निर्माण। इस प्रकार ये होता है, तो ये एंटीजेनिक डिटरमिनेंट या एपिटोप होते हैं, ठीक है। जैसे कि इस प्रकार हमारा जो ये एंटीजन बॉडी में एंट्री करता है इससे पॉलीवेलेंट एंटीबॉडी का निर्माण होता है। कई प्रकार की एंटीबॉडी, एक ही नहीं बनती, कई एंटीबॉडी बनती है, क्योंकि हर एंटीजेनिक डिटरमिनेंट के खिलाफ क्या होती है अलग अलग प्रकार की एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये भी होता है एंटीजेनिक, इसी कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं एंटीजन की, जिससे कि करेक्टरिस्टिक होते हैं एंटीजन के। करेक्टरिस्टिक्स के अंदर जो आता है सबसे पहला पॉइंट जो आता है, जो करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जिससे कि एंटीजन जो होते हैं एक अच्छे एंटीजन के रूप में काम कर सकते हैं वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक बार आपको बताते हैं कि जो एंटीजेनिक डिटरमिनेंट जो होते हैं ये होते क्या हैं। ये अगर पॉलीसेकेराइड अगर एंटीजन के रूप में होता है तो छह जो है सुगर रेजिड्यू जो होते हैं दे विल वर्क एज ए एंटीजेनिक डिटरमिनेंट करते हैं। अगर कोई प्रोटीन है तो पांच से छह जो है अमीनो एसिड रेजिड्यू, ठीक है, पांच से छह उसमें क्या होंगे अमीनो एसिड होते हैं। और अगर ये कोई न्यूक्लियोटाइड है तो फाइव न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लिक एसिड जो आता है उसमें क्या होते हैं ये फाइव न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में क्या होते हैं ये काम करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो होते हैं ये होते हैं, और एंटीजन के ऊपर हजारों की संख्या में क्या होते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स होते हैं, जैसे मायोग्लोबिन है या कोई भी होते हैं इसके अंदर ये अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स होते हैं। तो जो प्रॉपर्टीज या करेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स की वो हम आपको पढ़ाते हैं। सबसे पहले आता है फॉरेननेस, मतलब ये हम भी जानते हैं कि जब हमारा इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि वो सेल्फ को नॉन सेल्फ से पहचान कर लेता है। सेल्फ का मतलब क्या होता है कि जो अपनी बॉडी का है, और उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है और वो क्या होता है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर क्या होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो सेल्फ नहीं होता है उसके खिलाफ क्या होता है एंटीबॉडी का निर्माण होता है। तो इसके लिए किसी भी एंटीजन के लिए फॉरेननेस होना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। और वो जितना दूर का होगा यानी कि जिसमें जितने नज़दीक से नहीं होगा और दूसरी स्पीसीज का होगा कहीं और से होगा तो उससे ही उतने ही एंटीजेनिसिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। मोन फॉरन अगर सब्सटेंस है ना उसके लिए क्या उसकी एंटीजेनिसिटी क्या होगी। इसका उदाहरण मान सकते हैं जैसे कि एग एल्बुमिन है, ये एक्सीलेंट एंटीजन के रूप में काम करता है फॉर रैबिट के लिए, लेकिन अगर इसको हम फोवल में देंगे मुर्गी के अंदर देंगे तो ये नॉन इम्यूनोजेनिक होता है। क्यों? क्योंकि एग एल्बुमिन फोवल के लिए फोरन नहीं है, जबकि अगर इसको हम रैबिट में डालते हैं उसके लिए क्या है फोरन है, तो वहां पर ये एक अच्छी इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी क्या होता है ये दर्शाता है। तो ये इसका एक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फोरननेस, यानी कि जितना ही अनरिलेटेड जीव से उसको हम देंगे उतना ज्यादा होगा। अगला आता है साइज, साइज भी इसमें बड़ा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो एंटीजेनिसिटी जो होती है वो उसके साइज के ऊपर निर्भर करती है, जैसे हमने आपको पहले बताया था।
ठीक है ना, अगर लो मोलिकुलर वेट हैं, लार्ज मोलिकुलर वेट हैं, तो उनकी एंटीजेनिसिटी क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे कि अगर लार्ज मोलिकुलर वेट है तो उसकी ऐसी ही एंटीजेनिसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसमें 10,000 डाल्टन है, उससे ज़्यादा जो वेट होते हैं, तो वो अगर उससे कम है तो वो जो है नॉन एंटीजेनिक ग्रुप में क्या होता है, वो काम करता है। ठीक है, तो ये साइज का हो गया। नंबर थर्ड है केमिकल नेचर। वैसे इसके बारे में आपको पहले बता भी दिया था केमिकल नेचर के बारे में, तो कि एंटीजन जो होते हैं लगभग प्रोटीन्स होते हैं, और कुछ क्या होते हैं वो पॉलीसेकेराइड होते हैं, और इसमें प्रोटीन जो होते हैं वो मोस्ट इफेक्टिव होते हैं, जिससे एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड की तुलना के अंदर ये जो होता है इसके अलावा। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन है, जिसे एंटीबॉडी या नॉन एंटीजेनिक के रूप में वो कहलाते हैं, जैसे कि हिस्टोन है, प्रोटेमाइन है, जिलेटिन है, ये प्रोटीन है लेकिन ये एंटीजेनिक नहीं होते, इनसे हमारी बॉडी में दे आर नॉन एंटीजेनिक होते हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर ये आती हैं, इनका अलग एक रीजन होता है जिससे ये नहीं होते हैं। लिपिड्स और जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो अपने आप में इम्यून रिस्पॉन्स उत्पन्न नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको मैंने बताया ना ये क्या होते हैं, हेप्टेन होते हैं, और हेप्टेन मोस्टली क्या होते हैं, लिपिड और ये होते हैं पॉलीसेकेराइड वगैरह होते हैं, तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट भी होते हैं, ये अपने आप में नहीं होते। अगर इनके साथ कोई प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तब ही क्या होते हैं, ये उसके रूप में एंटीजेनिसिटी के रूप में काम कर सकते हैं, यानी कि इम्यूनोजेनिक रूप में ये काम कर सकते हैं। अगला है हमारे जो टिश्यू होते हैं वो अगली जो प्रॉपर्टी है जो एंटीजन के बारे में पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, हमारे टिश्यू एंजाइम्स के द्वारा उनका डाइजेशन। तो अगर ऐसे पार्टिकल जो कि बॉन्ड पार्टिकल भी हैं, और जो हमारे टिश्यूज के द्वारा हमारी बॉडी के द्वारा उनका मेटाबॉलिज्म हो सके, और वो सोल्यूबल फॉर्म में अगर वो कन्वर्ट हो जाए, तो वो एक अच्छे एंटीजन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ये भी एक बात कहलाती है। अगला जो है वो आता है ऑर्गेन स्पेसिफिसिटी होती है, कि ऑर्गेन स्पेसिफिक एंटीजन भी जो होते हैं वो किसी भी ऑर्गेन में या टिश्यू के अंदर ही मिलते हैं। इसकी ये कहते हैं कुछ ऑर्गेन जैसे कि ब्रेन है और किडनी है, थायरोग्लोबुलिन है और लेंस प्रोटीन होते हैं, तो ये शेयर करते हैं स्पेसिफिसिटी विद ऑफ अनदर स्पीसीज जो होती है उनके साथ भी करते हैं, तो दे आर कॉल्ड ऑर्गेन स्पेसिफिक एंटीजन भी इनको हम कहते हैं। और एक ब्रेन स्पेसिफिक एंटीजन है जो कि हमारे मैन और शिप दोनों को शेयर करते हैं, मतलब ठीक है ना, तो ब्रेन के अंदर भी ऐसा एंटीजन होता है, दोनों के अंदर क्या होता है वो कंपेटिबल होता है, दोनों के अंदर वो मिलता है। तो ये जो हैं इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फिर जैसे कि टाइप्स, तो आपको मैंने वो उस आधार पर बताई है, एक टाइप और भी होती है एंटीजन की, जिसके अंदर जो आते हैं इनकी कुछ प्रकार आती हैं उनके बारे में आपको पढ़ाते हैं। तो इस टाइप्स में जैसे कि पहले है हेट्रोफाइल एंटीजन आता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, हेट्रोफाइल एंटीजन होते हैं, कि ये कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, आइडेंटिकल तो नहीं होते लेकिन सिमिलर होते हैं, जो कि एक से ज़्यादा स्पीशीज के अंदर कुछ टिश्यूज के अंदर वो मिलते हैं, यानी कि अलग अलग स्पीशीज हैं और उनके टिश्यूज में क्या होते हैं, वो लगभग सेम होते हैं, नॉट आइडेंटिकल टिश्यूज ग्रुप बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ये मान लो ये कोई भी एंटीजन है, ये हमारे हार्ट के अंदर आता है, ऐसे ही ये कोई भी हमारे गले के अंदर इन्फेक्शन करने वाला कोई बैक्टीरिया, निमोकोकस बैक्टीरिया है, इसके अंदर भी ऐसे एंटीजन होते हैं, तो ये जो एंटीजन है यहाँ पर जो होते हैं ये इससे क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, तो इसके खिलाफ अगर एंटीबॉडी बनती है, मान लो इसके खिलाफ बनती है, तो ये एंटीबॉडी इसके खिलाफ भी काम करती है, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, हेट्रोफाइल एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, और ये लगभग लिपोप्रोटीन पॉलीसेकेराइड जो होते हैं उसके रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। इनकी कई उदाहरण होते हैं हेट्रोफाइल जो एंटीजन होते हैं उनके अंदर आता है। तो इसमें क्या आता है, जैसे कि हमारे अंदर होता है ब्लड ग्रुप बी का जो सब्सटेंस होता है वो ई कोलाई के, तो ई कोलाई के ऊपर जो एंटीजन होते हैं वो इसके बराबर होते हैं, तो अगर ई कोलाई के एंटीबॉडी बनेगी तो क्या होगी, वो ब्लड ग्रुप बी के खिलाफ भी क्या होते हैं, सी बनती हैं। ठीक है, तो ऐसे ये एंटीजन है, और भी कई उदाहरण हैं, जैसे कि ब्लड ग्रुप ए है और निमोकोकस टाइप 14, निमोकोकस टाइप जो 14 है इसके जो पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, इसका पॉलीसेकेराइड
सैकराइड कैप्सूल का, जैसे कैप्सूल जो होती है उसका सैकराइड, ये आपस में क्या होते हैं हेट्रोफाइल एंटीजन के रूप में ये काम करते हैं। तो इस प्रकार ये जो एंटीजन होती है काफ़ी ज़्यादा संख्या के अंदर क्या होते हैं ये प्रेजेंटेड होते हैं। तो ये था भी एंटीजन क्या होते हैं और वो कैसे कैसे काम करते हैं।